केस नंबर 27 क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड रिफ्लेक्स। इस बीमारी में क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग है वह इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने से जो वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड में जूसेस वगैरह बनने चाहिए वो ठीक से बनते नहीं, जिसके कारण इनडाइजेशन होता है, इसमें ब्लोटिंग, सीवियर एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें होने लगती हैं। इसके साथ साथ स्टमक पेन होता है, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं, इवन चेस्ट पेन होता है और चेस्ट में बर्निंग भी होती है। कभी कभी एसिडिटी की वजह से चेस्ट पेन हार्ट अटैक जैसा भी लगता है, जैसे लगता है कि हार्ट में दर्द है। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें जो स्टमक के अंदर गैस है वो ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो लूज हो जाता है उस एसिड की वजह से, और ये एसिड ऊपर आने लगता है और कार्डियक स्फिंक्टर लूज होने से ये इसोफेगस में भी चला जाता है, जिसके कारण ये ऊपर तक वब्स आते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये बरसों तक रहता है और कई सारे मेडिसिन लेने से या कई सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी बहुत कम ठीक होता है। जब ये पेशेंट न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो सबसे पहले हम एसिड लेवल को बैलेंस करते हैं, B12 और फॉलिक एसिड, इनको हम एब्जॉर्ब करने वाली ट्रीटमेंट देते हैं ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और जैसे ही एब्जॉर्ब होने शुरू होते हैं स्टमक की लाइनिंग ठीक होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ एसिड अल्कली बैलेंस करते हैं, डाइजेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि बहुत अच्छे से डाइजेशन ठीक हो सके, सर्कुलेशन ठीक हो सके। इसके साथ साथ एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करते ही स्टमक की लाइनिंग ठीक होती है, इन्फ्लेमेशन चली जाती है और धीरे धीरे वापस अच्छे से डाइजेशन शुरू हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। प्रेजेंटेशन है, पहले पेशेंट है साहिल इस्लाम, उसका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विद एसिड रिफ्लक्सेस है। तो ये पेशेंट का जो केस हिस्ट्री है इसमें मैं जो ट्रीटमेंट दिया इसका सिर्फ लॉजिक बोलूँगा। इनको एब्डोमिनल सेटिंग दिया गया है क्योंकि आप लोग देखा कभी कोई पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है, इतना ट्रीटमेंट दे रहे हो, एब्डोमिनल सेटिंग अच्छे से नहीं देने से गुरुजी का वही है सिद्धांत है तब ठीक नहीं होगा। बैक पेन हो जो भी हो एब्डोमिनल सेटिंग ठीक होना चाहिए। इसका तरीका एक है सिंपल तरीका और प्रांत में है जो नाभि किसक जाता है जिसको दौरान बोलता है, तो उसको पहले एब्डोमिनल सेटिंग देकर और बाकी ट्रीटमेंट देने से फायदा होगा। और ऐसा एसिड रिफ्लक्स में इन थर्टी मेडुला का काम है ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना है, 6 ADR इस कॉर्टिसोल इसके कारण दिया गया है, तो ये दिया है। और इसके साथ साथ ये पेशेंट ओनली 12 डेज में ठीक हुआ। ये पेशेंट का अपना व्यू यहाँ स्टेटमेंट सब कुछ है, ये ट्रीटमेंट है इसका लॉजिक यहाँ दिया गया है। मैं शॉर्टली सभी बोल सकता हूँ परंतु शॉर्टली बोल रहा हूँ। और कभी कुछ और एक टिप्स है, पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट अच्छे से लागू करने का एक जनरल टिप्स है, वो है 15 मिडुला एसिटोलकोलाइन रिलीज करता है और 10 मिडुला रिसेप्टर का काम करता है, परंतु सभी पेशेंट को नहीं देना 15 मिडुला 10 मिडुला। ये आप लोग को जानकारी है क्यों नहीं देना, मैं बोल दिया ये ट्रीटमेंट रिजल्ट आएगा परंतु दे दिया हार्ट पेशेंट को उल्टा रिजल्ट होगा, इसीलिए सबको नहीं देना। ये है सेरोटोनिन, उसका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था टेंशन, वो दूर हॉस्टल में पढ़ता है माँ पिताजी से दूर रहता है, इसीलिए सभी पेशेंट को आजकल कोविड के बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया, टेंशन आ गया, एंग्जाइटी भी हो रहा है, तो इसीलिए सेरोटोनिन दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल इस्लाम है, मैं रबड़ बागान PWD कॉलोनी तेजपुर आसाम में रहता हूँ। मैं शिलोंग में पढ़ रहा हूँ सेंट एंटोनीज कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर। तो मेरे को एसिडिटी और स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बहुत सालों से हो रहे थे, करीब 2 साल हो गए थे होते हुए थे।
तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, फिर मैंने पहले दिल्ली में भी करवाया ट्रीटमेंट, फिर करने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, फिर अचानक मेरे एग्ज़ाम्स के 12th के एग्ज़ाम्स के पहले फिर से हो गया मेरे को एसिडिटी। तो होने के बाद फिर मैं जैसे यहाँ पे आसाम में ये ट्रीटमेंट का सेंटर है मुझे नहीं मालूम था, फिर हाँ न्यूरोथेरेपी का, फिर मुझे ऑनलाइन में मिला, फिर यहाँ पे मैं आया था 10 तारीख को अक्टूबर में, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से कॉलेज में मुझे सिर्फ 2 दिन लिया मैंने ट्रीटमेंट, लेकिन वो 2 दिन लेने के बाद मुझे बहुत आराम मिल गया। फिर मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं फिर से आया यहाँ पे दिसंबर में, 10 दिसंबर में, फिर जब आया फिर 1-2 दिन लिया मैंने ट्रीटमेंट, फिर 1 दिन में ही मेरे को बहुत फ़र्क मिल गया था। फिर अभी मेरे को अराउंड 10 से 11 दिन होने वाले हैं ट्रीटमेंट के, आज मेरा लास्ट है, तो आज मैं बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो चुका हूँ, मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ।